हाय, दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है स्टफ मेथी गोटा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। स्टफ मेथी गोटा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन का आटा लिया है। हम बैटर बनाएंगे, इसी में हम फ्रेश मेथी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक जुड़ी मेथी अच्छे से वॉश करके उसे कट कर दी है। 1/4 स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 स्पून हींग ऐड करेंगे, 1/2 स्पून जितना हम गरम मसाला ऐड करेंगे, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। 3 ग्रीन चिलीज लिए मैंने, आप कम ज्यादा कर सकते हो। 1.5 स्पून हम पीसी हुई शुगर ऐड करेंगे, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। बैटर हमारा रेडी है, अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 कच्चे केले लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल कर दिया है। अब इसमें हम 150 ग्राम जितना पनीर ऐड करेंगे, पनीर को मैंने ग्रेट कर दिया है। 1/2 स्पून जितना गरम मसाला, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1/2 स्पून जितना अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना चाट मसाला, 6 स्लाइस ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। सारे वड़े मैंने रेडी कर दिए हैं। जो बैटर हमने बनाया था, अब उसमें हम 1/2 स्पून सोडा ऐड करेंगे, 1/2 लेमन ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस बैटर में हम एक एक वड़े को डिप करके फ्राई करेंगे। मैंने एक साइड ऑयल भी गरम करने रख दिया है। स्लोली स्लोली से फ्लिप करेंगे हम। स्टफ मेथी गोटा हमारे रेडी है टू सर्व। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।